नारायण यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातन मनस्थानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करुषति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धः निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। नारायण। नारायण। एक बार पूज्य श्री धर्म सम्राट गुरुदेव ने एकांत में बताया, शास्त्रों में कलयुग में क्या क्या होगा इसका वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है, परंतु ध्यान रखना कलि के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का ब्राह्मण कुल में अवतार होगा। इसका अर्थ है कि कलयुग के अंतिम चरण तक ब्राह्मणों में कुछ ऐसे बने रहेंगे जो वर्ण संकरता और कर्म संकरता के चपेट से मुक्त होंगे, तभी उनके यहाँ पुत्र होकर भगवान कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। ऐसी स्थिति में कलि काल में भी भगवान को सनातन प्रशस्त मान बिंदुओं के बीज की रक्षा अभिमत है, अतः किसी के द्वारा धैर्य को विचलित किए जाने पर भी किसी की सुनना मत, बीज की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना। विराज। दूसरी बात यह है कि कलि के बाद में प्रलय का योग नहीं है, कृतयुग का योग है। एक मेरा गणित पर लेख है, ग्रंथ में तो नहीं छपा, कहीं लिख के रख दिया, युग चक्र प्रवर्तन न्याय। सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार होती है, सृष्टि का संहार ठीक उसके विपरीत क्रम से होता है। महाभारत में दो श्लोक हैं, सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम है, समृद्धि का क्रम ठीक उसके विपरीत है। जैसे ऊपर से सीढ़ी के सहारे, जीना के सहारे हम नीचे उतरते हैं, जब चढ़ते हैं तो ठीक विपरीत क्रम से चढ़ते हैं। इसी प्रकार सत सर्वेश्वर से सृष्टि की प्रवृत्ति होती है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, प्रलय काल में ठीक विपरीत क्रम होता है। लेकिन युग चक्र यूं चलता है,
प्रलय और उत्पत्ति क्रम से विलक्षण युग चक्र के प्रवर्तन का क्रम है। यूं इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। कृतयुग जिसको सत्ययुग कहते हैं उसकी अपेक्षा प्रज्ञा और प्राण शक्ति की दृष्टि से ह्रास युग त्रेता है। त्रेता की अपेक्षा प्रज्ञा तथा प्राण शक्ति की दृष्टि से ह्रास युग द्वापर है। द्वापर की अपेक्षा भी प्रज्ञा और प्राण शक्ति के ह्रास की दृष्टि से कलिकाल है। यह क्या हुआ? अवरोहक क्रम। अब आरोहक क्रम तो यह होना चाहिए कि कलि के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कृतयुग या सत्ययुग, लेकिन युग इस प्रकार नहीं चलता, युग चक्रियों चलता है। तो गणित की दृष्टि से भी एक जटिल पहेली है। फिजिक्स भौतिक शास्त्र के जानने वालों से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरी गति इसमें नहीं है। फिर विचार करके एक लेख लिखा था। कृतयुग कब आवेगा? कलयुग के बाद। अब जो कलयुग का अंत होगा उसके बाद कृतयुग का प्रवेश होगा। तो द्वापर और त्रेता की घाटी व्यक्ति का मस्तिष्क कैसे पार कर लेगा, एक विधा होगी या नहीं? अर्थात विज्ञान में एक नियम है सामान्य रीति से, जो सॉलिड होता है ठोस वो लिक्विड के बाद में गैस बनता है, द्रवावस्था के बाद में गैस बनता है, लेकिन मैग्नीशियम का तार है उसको जलाते हैं तो मध्य की जो द्रवावस्था है वो परिलक्षित नहीं होती, सीधे गैस के रूप में मैग्नीशियम का तार विनियुक्त हो जाता है। लेकिन मध्य की घाटी होनी तो चाहिए जो कि परिलक्षित नहीं होती। इसी प्रकार एक न्याय सिद्धांत या नय है, करोड़ों वृक्षों में देखा जाता है कि पुष्प के बाद फल लगते हैं, लेकिन प्लक्ष जिसको पाकर कहते हैं, बट जिसे बरगद कहते हैं, अश्वत्थ जिसको पीपल कहते हैं, अंजीर, गूलर, कटहल, ये सब कुछ ऐसे वृक्ष हैं जहाँ पुष्प नहीं लगते और फल लग जाते हैं। तो दर्शन शास्त्रों में विचार किया गया कि पुष्प के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती, करोड़ों स्थलों पर यह नियम चरितार्थ है, लेकिन अपवाद स्थल कुछ ऐसे हैं जहाँ पुष्प परिलक्षित नहीं होते, फल परिलक्षित होते हैं। तो फिर चरक संहिता आदि आयुर्वेद के ग्रंथ ने भी यह माना कि ये वृक्ष अंतः पुष्पित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुण की दृष्टि से विचार करे, एक तमोगुणी व्यक्ति सहसा सत्वगुणी नहीं हो सकता, रजोगुण की घाटी उसके जीवन में आवेगी ही। तमोगुण के कारण जिनके जीवन में परमहंसों जैसी बाहर से गति दिखती है, वो कालांतर में उनके जीवन में भयंकर रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है। हम नैमिषारण्य में 10 साल रहे, वहाँ के जो सत्पुरुष दंडी स्वामी जी थे उन्हें गुण विज्ञान बहुत सदा हुआ था। वो जो के त्यों उनकी कृपा से मुझे प्रयोग सहित प्राप्त हुआ। वो तमोगुणी को सत्वगुणी बनाने के लिए रजोगुणी बनाना बहुत उत्तम ढंग से जानते थे। उसका वर्णन यहाँ मुझे ग्रंथ चरक संहिता इत्यादि हैं, संकेत में बोलूँगा। रजो धर्म के बिना गर्भधारण संभव नहीं है, ये करोड़ों दृष्टांतों के बल पर सिद्ध है। लेकिन करोड़ों देवियों में कोई कोई ऐसी भी देवी होती है
रजो धर्म के बिना ही गर्भ धारण कर लेती है। तो उसमें आयुर्वेद का सिद्धांत है कि अंतः पुष्पिता होती है, क्योंकि मध्य की घाटी या अनिवार्य घाटी तो जीवन में होनी चाहिए। इसी को हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया, फल बल कल्पी, फल के बल पर कल्पना करने योग्य सिद्धांत है। बल पर कल्पना करने योग्य है कि अंतः पुष्पित वृक्ष होते हैं। तो केवल हमने संकेत किया श्री सच्चिदानंद जी महाभाग महंत श्री जी के प्रवचन को सुनकर कि या तो कलिकाल है, इसके बाद कृतयुग आना है, मध्य की द्वापर और त्रेता की जो घाटी है विकास की दृष्टि से, आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से, प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति के उत्कर्ष की दृष्टि से, वो कल्कि भगवान अपने अवतार से पूर्ण करते हैं। पहले तो शोधन करते हैं, शोधन की दो प्रक्रिया है। लंकिनी ने सत्संग का वर्णन किया ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सत्संग के स्थान पर तो उसको घूसा मारा था हनुमान जी ने, ऐसा सत्संग का वर्णन है रामचरितमानस में। यही हुआ ना, कोई उपदेश तो नहीं दिया था, तो इसका मतलब है कि विचित्र सत्संग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, वहां तो कोई तत्वमसी या श्री रामकृष्ण आदि के अवतार का वर्णन नहीं है, जड़ के एक डट के घूसा मार दिया। घूसा से क्या हुआ, उसके तमोगुण का अपनोदन हो गया। तमोगुण का अपनोदन हो गया तो प्रज्ञा शक्ति आस्तिकता से भरपूर हो गई, प्राण शक्ति में सत्गुण समाविष्ट हो गया। उसने सत्संग का बहुत बढ़िया वर्णन किया, मारा बहुत अच्छा सत्संग मिला। इसका मतलब कहीं कहीं पिटाई का नाम भी सत्संग है। उससे व्यक्ति की अकल जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, तो भगवान कल्कि क्या करेंगे, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ सोच समझ कर, बिना सोचे समझे तो बोलता ही नहीं, भगवत कृपा है। हम लोग जो कार्य निकाल रहे हैं, हमें भी मालूम है घोर कलिकाल है, फिर गो हत्या बंद हो, क्यों कहते गो माता की जय हो। कुछ लोग आलोचना करते हैं गो हत्या बंद हो कहते हुए इन परंपरा से इन लोगों को 60-70 वर्ष हो गए, गो हत्या तो नहीं बंद हुई। तो उनको कहते कि तुमको शब्द सुनने से भी चिर है, पूरे विश्व में गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, तो हम ही कह रहे हैं, गुरुओं से हमको ये प्राप्त है। अब ये सुनने से भी चिर है, भाव तो बनाओ। फिर गो हत्यारों का अंत होता है या गो का अंत होता है ये तो भविष्य बतावेगा, कोई भी तो नहीं कह रहा, भारत अखंड हो कह रहा। राजौरी में ब्रिगेडियर और कर्नल से नीचे कोई नहीं पदाधिकारी थे, प्रतिबंधित थे। मेरा प्रवचन सेना के बीच में 45 मिनट हुआ था, हमने कहा था हमें पाकिस्तान लेना है, बांग्लादेश लेना है, सेना के पद पर थे वो ब्रिगेडियर और कर्नल से नीचे के कोई नहीं थे प्रतिबंधित। पौन घंटे हमने कहा हमें पाकिस्तान लेना है, बांग्लादेश लेना है, तो हम ये क्या संकेत कर रहे, कल्कि भगवान जो प्रक्रिया अपनावेंगे, तमोगुणियों का शोधन यो होगा, उसके बाद उनके श्री विग्रह से संस्पृष्ट जो पवन किन्हीं को लगेगा, वो सब के सब कृतयुग में रहने योग्य मेधा शक्ति आचार शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। क्या तो यह जो प्रक्रिया है कलि के शोधन की प्रक्रिया, भगवान कल्कि से प्राप्त होती है। तो शास्त्रों में अवांतर दशा का वर्णन होता है, अवांतर दशा, उस अवांतर दशा को सामने रखकर और कलि के शोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत वैज्ञानिक है, कल्कि भगवान के आचरण से वह सिद्ध है, उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब कल जो कहा गया,
इस समय इन राजनीतिक दलों को लंकिनी को जैसा सत्संग प्राप्त कराया हनुमान जी ने, उसी प्रकार के सत्संग की आवश्यकता। वाणी से कुछ कहने से सुनते समझते नहीं, उस प्रकार का जब इनको सत्संग मिल जाएगा किसी महापुरुष से, तब ये बस लंकिनी के समान कहेंगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक संग। या वस्तु के अधीन होता है उसी को कहते प्रमाण तंत्र या वस्तु तंत्र। जो वस्तु जैसी है उसको उसके अनुरूप ही जानने का नाम प्रमा है। इसलिए कल कहा गया ज्ञान में विकल्प नहीं होता, कर्म में ब्रीही के द्वारा अथवा यव के द्वारा ये विकल्प है। बिलपत्र को लेकर भी बिल्वोपनिषद में कहीं कहीं तो सामान्य रीति से है यूं चढ़ाना चाहिए, कहीं यूं है, तो बिलपत्र चढ़ाने को लेकर भी विकल्प है। कर्म में विकल्प की प्राप्ति होती है, ज्ञान में विकल्प की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो प्रमाण तंत्र या वस्तु तंत्र होता है। और कर्म में कर्ता का स्वातंत्र किंचित होता ही है और बहुत कुछ होता है स्वतंत्र कर्ता। अब कर्ता जब अपने स्वातंत्र का दुरुपयोग करता है तब वो फंस जाता है। जैसे भंवर आवर्त से युक्त कोई नदी हो, अब हम छलांग लगावें या न लगावें, यहाँ स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता है। और छलांग अगर हमने लगा दिए तब अब हमारी कला और वेग उन दोनों में युद्ध होगा। युद्ध में जो जीत जाए, आवर्त वेग नदी के जीत जाए तो डूब जाएंगे, और कहीं हम संघर्ष करते करते उन पर विजय प्राप्त कर लें तो किन उस पार पहुंच जाएंगे, ये होता है ना। तो कर्ता जब अपने स्वातंत्र का दुरुपयोग करता है तो फिर परतंत्रता में जकड़ जाता है। स्वतः स्वरूपतः कर्ता स्वतंत्र है, क्योंकि करणों का प्रयोक्ता है और करणगत चेष्टा का संपादक है, इसलिए कर्ता स्वतंत्र होता है। आखिर वह स्वरूपतः चेतन है तो कर्ता का स्वातंत्र अभिमत है। तो ज्ञान में परतंत्रता है। कल उदाहरण दिया गया, यात्रा के समय हम छींक नहीं सुनना चाहते, कर्ण स्वस्थ है, किसी ने छींक दी तो सुनने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि ज्ञान में पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है अथवा प्रमाण तंत्र है। कान के अधीन है श्रवण, कान स्वस्थ है, शब्द का उससे संयोग हो गया तो शब्द सुनने के लिए हम बाध्य हो गए, चाहे शब्द अभिमत हो चाहे अनभिमत हो। यहाँ संयम की चर्चा है गुप्त रीति से, वो क्या है, सुनने में हम विवश हैं लेकिन बोलने में विवशता क्यों पालते हैं, क्योंकि बोलने में तो वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय है, तो जितना हम आप कोई भी व्यक्ति श्रवण का क्षेत्र जितना है, अगर उतने ही बोलने का क्षेत्र हो जाए या तो बालक कहा जाएगा या पागल कहा जाएगा। क्या छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो वाणी पर नियंत्रण नहीं कर सकते, जितना सुना है जो मन में आता बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। बच्चे की विशेषता क्या होती है, ना वो निभना जानते ना निभाना जानते। और सजाने की विशेषता क्या होती है, जो निभना न जाने निभाना न जाने उसे भी निभाना। बच्चा तो न निभना जानता है न निभाना, माता पिता भी अगर कहीं ऐसे मिल गए कि न निभना जाने न निभाना, चाटे से बात करें तो बच्चे का क्या होगा। बच्चा बिल्कुल न निभना जानता है न निभाना, माता पिता के धैर्य की पराकाष्ठा होती है कि जो निभना नहीं जानता निभाना नहीं जानता उसे निभाते हैं और प्रबंधित रखते हैं। अब किसी की आयु तो हो गई अधिक लेकिन स्वभाव वही है, वो सरदर्द बन जाता है व्यवहार। क्या आयु हो गई 50, 60, 70, 80, स्वभाव वही है कि ये न निभना जाने न निभाना जाने, उसको व्यक्ति फिर सहन नहीं करते।
बच्चे को तो सहन कर लेते हैं क्योंकि अवस्था के अनुरूप स्वभाव है। प्रायः कहते बच्चे और वृद्ध का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। तो हमने क्या संकेत किया, सुनने का हर व्यक्ति का क्षेत्रफल बहुत होता है। जितना हमारे पास सुना हुआ है उतना अगर बोल दें तो पागल सिद्ध होंगे या नहीं, या तो बच्चा सिद्ध होंगे या पागल। तो यहाँ परतंत्रता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता है, क्योंकि वाक क्या है, कर्मेंद्री है। तो कर्म हमारे अधीन है, कर्मेंद्री हमारे अधीन है, इसलिए बोलने में संयम की आवश्यकता होती है। ठीक, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गाली देना ना जानता हो, लेकिन ऐसे ऐसे मनीषी हैं कि मार दें लेकिन गाली नहीं दे सकते, जानते तो हैं, संसार में जन्म लिया है तो प्रशिक्षण तो गाली की हर व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन गाली दे नहीं सकते हर व्यक्ति, मर जाए लेकिन गाली नहीं दे सकते, अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमने एक संकेत किया कि दोनों में मैत्री है, शब्द का श्रवण होगा श्रोत इंद्रिय से, शब्द का विसर्जन होगा वाक इंद्रिय से, स्पर्श का ग्रहण होगा त्वक इंद्रिय से, और विसर्जन होगा किससे, हाथ से। बाबा लोग सावधान, हम भी बाबा हैं बचपन से, ये जो झट से किसी के सर पे हाथ दे दिया कि बीमारी है, इसका मतलब आपने स्पर्श का परित्याग किया। आशीर्वाद के पात्र को स्पर्श कीजिए दीजिए, लेकिन खुश रहो बच्चा, ये क्या हुआ, स्पर्श का त्याग है। रूप का त्याग, नेत्र इंद्रिय के द्वारा हम गंतव्य का दर्शन करते हैं, पांव के द्वारा, अतिंद्रिय पांव इंद्रिय इसके संचालक है ना, पांव के द्वारा गंतव्य तक पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार से रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, और मूत्रेन्द्रिय उसी का दूसरा नाम है जननेन्द्रिय के द्वारा रस का परित्याग होता है, और नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है, और गुदा के द्वारा उसका परित्याग होता है। कल अब पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, यह हमने संकेत किया। अब ये जो बात कही गई, भद्रम करणे भी सुनयाम देवाह, देवताओं से प्रार्थना की गई, बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, कर्ण इंद्रिय के देवता तो कोई एक होने चाहिए, तो इसमें भी स्वारस्य है, दर्शन है, दर्शन के बिना तो काम चलता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है, एक इंद्रिय के देवता भले ही एक प्रसिद्ध हों, लेकिन देवताओं में एक अपूर्व शक्ति होती है कि वे अपनी शक्ति का एक इंद्रिय की उद्भावना में, उसके प्रकाशन में प्रयोग और विनियोग करते हैं मर्यादा की सीमा में, लेकिन वो अनुग्रह करें तो किसी भी इंद्रिय पर किसी भी देवता की, शास्त्र सम्मत देवता की आराधना से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कल बताया भी गया, कर्णे भी क्यों का, ये ज्ञानेन्द्रिय हैं, कानों के द्वारा क्या करें, भद्र श्रवण करें। तो देवता से ये प्रार्थना की क्यों की गई, जब हम मनुष्य हैं तब मनुष्य शरीर से तादात्म्यपन्न हो गए, तो हम देवता से दुर्बल हो गए। तादात्म्यापत्ति का सब कुछ खेल है, तादात्म्यापत्ति का खेल है, क्यों, हम जीव हैं तो देवता से ऊपर हैं या देवता के तुल्य हैं, और अगर हमने अपने को मनुष्य माना तो देवता से बहुत घटिया है, वो देव योनि मनुष्य योनि से उत्कृष्ट है, मान्यता को लेकर है ना। तुलसीदास जी को लीजिए, विषय कारण सुर, विषय का अर्थ है अधिभूत, कारण का अर्थ है अध्यात्म, सुर का अर्थ है अधिदैव। विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। रूपम दृश्यम भगवत पाद शंकराचार्य, लेकिन इसमें एक कड़ी छूटी हुई है,
वो ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का मंथन करके तुलसीदास जी ने विषयकरण एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, वहां के शंकर भाष्य का मंथन करके तुलसीदास जी ने यह वचन बनाया, विषय करण सुर जीव, विषय प्रकाशित हैं करण से, करण प्रकाशित होते हैं देवता से, और देवता प्रकाशित होते हैं जीव से, जीव जहां पर अपने आप में जीव है वहां देवताओं से उत्कृष्ट है वो, क्योंकि जीव ही तो अमुक अमुक कर्म और उपासना के अनुष्ठान के फलस्वरूप देव शरीर को प्राप्त करता है या देव विग्रह को प्राप्त करता है, तो देवताओं का मौलिक स्वरूप तो जीव है। तो विषय करण सुर जीव समेता, वो जीव भी जिससे उद्भासित है वह स्वप्रकाश ब्रह्मात्म तत्व है, सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। तो यहाँ पर निरूपण किया गया कि जहां हम मनुष्य शरीर में तादात्म्यपन्न होकर स्वयं को मनुष्य मानते हैं, हमारी आपकी गतिविधि या गतिमति स्थिति मनुष्य के अनुरूप है, वहां देवता हमसे बहुत ऊपर हैं, तो देवता की आराधना करने से क्या होगा, हमारे पास भद्र श्रवण ही समुपस्थित होगा। कल उदाहरण दिया था मीठा मीठा अब करवा करवा थू, अगर देवता कहीं प्रकट हो जाएं, उनको तो पृथ्वी के स्पर्श की आवश्यकता नहीं है, वो लीला पूर्वक माया पूर्वक दमयंती के स्वयंवर में माया पूर्वक वो पृथ्वी को छू सकते हैं, स्वाभाविक रूप से देवता पृथ्वी को छूते नहीं, वो तो यहीं खड़े होकर दर्शन देंगे, उनके शरीर विग्रह से चतुर्दिक प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। उनके वाल्मीकि रामायण में एक अध्याय है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवराज इंद्र श्री ब्रह्मा जी के द्वारा विनिर्मित चरु को लेकर सीता जी के पास, भगवती सीता के पास कहाँ आए, अशोक वाटिका में, ताकि सीता जी ब्रह्मा जी के अनुरोध से वो सब पालें तो देहत्याग नहीं करेंगी, भूख और प्यास से ऊपर उठ जाएंगी, जो बला अति बला का गुण है ना वो तो विद्या है, उसी ढंग से वो चरु का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। सीता जी उज्जीवित रहेंगी तो राक्षसों का संहार राम जी कर सकेंगे, तो सीता जी का जीवित रहना आवश्यक है, तो भगवती सीता ने कहा आप कौन हैं जो चरु लेकर आए हैं, देवराज इंद्र मानवोचित विग्रह धारण करके आए थे, उन्होंने कहा मैं वस्तुतः तो ब्रह्मा जी का परिकर देवराज इंद्र हूं। उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी को नमस्कार आपको नमस्कार दोनों का सम्मान, लेकिन दूध का जला हुआ या दूध की जली हुई छाछ को, दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक कर पीता है, अतिथि सत्कार के नाम पर तो मेरी ये दशा हुई, कहीं आप रावण ही तो नहीं है, वो भी तो वेश बनाना जानता है, तो मुझे विश्वास होना चाहिए कि आप देवराज इंद्र हैं, मैंने पिता तो विदेह जीवन मुक्त, उनके यहाँ महापुरुषों के मुखारविंद से देवताओं के लगभग 13 लक्षण हैं वाल्मीकि रामायण में, देवताओं के लक्षणों को सुना है, अगर आप सचमुच में देवराज इंद्र हैं तो उसी रूप में अपने को प्रकट कीजिए, जैसे असली नोट नकली नोट की परख जिनको है वो जाली नोट को पकड़ लेंगे ना, तो सीता जी को परख थी, रावण देवता का रूप धारण नहीं कर सकता था, कर भी ले तो जाली नोट पकड़ने वाले की तरह सीता जी को लक्षण प्राप्त था, उसकी जानकारी थी कि रावण में यह खोटापन है, इतने अंश से लगता है कि ये कोई देवता नहीं है, तो देवराज इंद्र ने अपना सब स्वरूप प्रकट किया देवता वाला, तब भगवती ने कहा विश्वास हो गया कि आप देवता हैं रावण नहीं है, ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए मैं अब चरु का सेवन करती हूँ।
तो हमने क्या संकेत किया, वो जो देवता हैं वो मर्त्य लोक में आ जाएं, लेकिन यहाँ की दुर्गंध उनकी नासिका के माध्यम से उन तक नहीं पहुंच सकती है। कल संकेत किया गया, क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति स्थाधो गच्छन्ति तामसा। पुण्य के परिपाक से देवताओं को शरीर प्राप्त होता है, देव शरीर जो होता है। अच्छा, गिरीशानंद जी हैं, श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध देवर्षि नारद का वचन, देवता और पितृ, देवता और पितरों का शरीर एक पारिभाषिक शब्द है, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है। देवता और पितरों का शरीर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है, देवर्षि नारद जी का यह शब्द है। इसकी व्याख्या जाननी हो, पूरे छांदोग्य श्रुति है न, उसके पांचवें अध्याय के अंतिम चरण में अनुशयी जीवों का वर्णन है। इतना अद्भुत विज्ञान है इस बार दैवयोग से पढ़ाने का, भाष्य और आनंद गिरी टीका सहित अवसर मिला, इतना ये भी आश्चर्यचकित हो गए। उसके अनुसार अगर हम लोग शरीर का वर्णन करें तो अद्भुत दिव्यता पता ही नहीं है। गेहूं और गेहूं में क्या अंतर है, एक गेहूं अनुशयी जीव है, एक गेहूं अनुशयी जीव नहीं है। इसका विभाजन तो आजकल कोई भी ये जियोलॉजी बॉटनी वाले कहते ना, ये नहीं कर सकते। जो विज्ञान दिया गया है छांदोग्य श्रुति में, भाष्यकार ने भी अपनी सारी शक्ति लगाकर, आनंद गिरी जी ने उनके भावों को प्रकट कर ऐसा दिव्य स्वरूप चित्रित किया है। तो संक्षेप में द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक का अर्थ होता है, ये जो अग्निहोत्रादि श्रौत कर्म अधिकृत व्यक्ति के द्वारा समनुष्ठित होते हैं, तब वो द्रव्य सार सर्वस्व, पुण्य सार सर्वस्व देव शरीर की प्राप्ति होती है देहत्याग के समय, जिसका वर्णन शरीरम यदवापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, उसकी व्याख्या तो सत्र में आज नहीं कर सकेंगे, समय हो रहा है। तो हमने कहा कि देवताओं का श्री विग्रह क्या होता है, पुण्य सार सर्वस्व आहूत द्रव्य सार सर्वस्व होता है, दिव्य होता है। इसलिए देवता मनुष्यों से बहुत उत्कृष्ट होते हैं, कर्म और उपासना दोनों के समुचित अनुष्ठान से देव विग्रह की प्राप्ति होती है। केवल कर्म के फल स्वरूप जो शरीर मिलता है, काम्य कर्म के फल स्वरूप या केवल कर्म के फल स्वरूप, उसकी गति चंद्रमंडल तक होती है, फिर वहां से च्युत होना पड़ता है जीव को, उस जीव को अनुशयी जीव कहते हैं। तो देवता के अनुग्रह से क्या हो सकता है, हमको ऐसी शक्ति मिल सकती है कि हम भी इंद्रियों का शोधन हो जाएगा तो भद्र श्रवण ही करेंगे। कदाचित कोई अभद्र कह भी दे तो उसका अर्थ भद्र लग जाएगा। सरस्वती जी के सामने एक कठिनाई आई, श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका, शिशुपाल जी ने तो गालियां दे दी भगवान श्री कृष्ण को, और श्रीधर स्वामी के सामने संकट उत्पन्न हो गया, गाली का मैं अर्थ कैसे करूं, भगवान के प्रति दी हुई गाली का क्या। तो फिर सोचा श्रीधरा स्वामी ने, सरस्वती ने तो गाली नहीं दी होगी, शिशुपाल ने अपनी बुद्धि से भगवान को गाली दी, और गाली भी कम नहीं दी, भागवत में है। लेकिन आखिर वाक इंद्रिय के संचालन में तो अग्नि उधर, सरस्वती वाक भगवत भगवत क्या, सरस्वती जी वाक के अधिष्ठात्री देवी हैं, वो तो भगवान को भजनीय मानती हैं, उन्होंने तो गाली नहीं दी होगी। तो हर गाली का उन्होंने प्रशंसा परक अर्थ निकाला। भगवान शिव की प्रेरणा से सप्तर्षि आए पार्वती जी की परीक्षा लेने कन्याकुमारी, उन्होंने कहा अगुण अकाम क्या क्या। अब प्रश्न उठता है कि सप्तर्षि क्या गाली दे सकते शिव जी को, शिव जी ने तो भेजा था परीक्षा के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो लौकिक दृष्टि से अवाच्य है, गाली है,
और वैदिक दृष्टि से क्या है, मातु पितहीना क्या प्रशंसा है। इसी प्रकार से कदाचित कोई अपने स्तर से मर्त लोक में हमको आपको गाली दे दे, तो ये जो देवता का अनुग्रह प्राप्त होता है, एक तो ऐसी जगह ले ही नहीं जाते देवता व्यक्ति को जहां ये सब सुनने का काम हो। कदाचित व्यक्ति को अभद्र श्रवण सुनने को मिल ही जाए तो मांडूक उपनिषद आदि के अनुसार अगर उसको अर्थ सधा हुआ है तो सबका अर्थ मंगलमय ही लेगा, ये क्षमता होती। इसलिए ज्ञानेन्द्रिय जो है उन पर हमारा नियंत्रण सर्वथा नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो पुरुष तंत्र नहीं होता बल्कि प्रमाण तंत्र या वस्तु तंत्र होता है। कल एक संकेत करके प्रवचन को विराम दिया गया और इस सत्र में भी यह जो वचन है, ममई वांसो जीव लोके मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इसमें अद्भुत वैज्ञानिकता है। उसका प्रवचन आज ही तो यहाँ समापन है, इस सत्र में मैं नहीं कर सकूंगा, दाना पानी होने पर फिर याद दिलावेंगे तो कर सकूंगा। जान बूझ कर एक श्लोक को अधिक दिनों तक नहीं ले जा रहे, समझ गए, ऐसा ना हो कि वैदुष्य बघाड़ने के लिए, वैदुष्य को दिखाने के लिए कि मैं एक श्लोक पर इतना दिन बोल सकता हूँ, यहाँ स्वप्न में भी यह चीज नहीं। तो फिर क्या है, सरस्वती जब अर्थ दे रही है तो सरस्वती का अपमान तो नहीं कर सकता ना, मूल बात है। जब वचन अपना अंतरंग अर्थ दे रहा है तो मुझे क्यों कंजूसी, क्या मुझे कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना। अब कौन सा है कि कोई भागवत सप्ताह है कि 7 दिन में पूरी कथा यूं ही कह देनी, चलो काल अनंत है, आत्मा अमर है। तो हमने एक संकेत किया, कल एक विज्ञान की ओर संकेत किया गया, जब हम विशद प्रज्ञा के द्वारा, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विषय से अतीत करण, करणों से अतीत देवता, देवता देवता से अतीत अतीत जीव होता है, कैसे जाने, करण के भेद से देवता में भेद की प्राप्ति होगी या नहीं। आंख के देवता कोई और, मान लीजिए सूर्य भगवान रहे ही, कान के देवता कोई और, नाक के देवता कोई और, मन के देवता कोई और, बुद्धि के देवता कोई और, चित्त के देवता कोई और, अहंकार के देवता कोई और, करण के भेद से विषय में भेद हो गया अधिभूत में, और करण के भेद से ऊपर अधिदैव में भेद हो गया। लेकिन करण के भेद से, विषय के भेद से, करण के भेद से, अधिदैव के भेद से जीव में भी भेद होगा क्या, जीव में तो भेद नहीं होगा। तो सार क्या निकला, जीव जो है विषय की अपेक्षा करण, करण की अपेक्षा अधिदैव, उद्दीप्त प्रकाशक होने पर भी विषय तो सर्वथा प्रकाश्य है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तक दृश्यम दृक्तो मानसम दृश्याधि वृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। तो यहाँ पर सार यह निकला कि विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से देवताओं में भेद, लेकिन देवता के भेद से जीव में भेद मानेंगे तब तो काम बनेगा नहीं, फिर तो प्रतिभिज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। अंग्रह पूर्वक आत्मानुसंधान नहीं होगा, मैंने देखा मैंने सुना, जो मैं देखने वाला वही मैं सुनने वाला, वही मैं संकल्प करने वाला, वही मैं विकल्प करने वाला, वही मैं अध्यवसाय करने वाला, वही मैं स्मरण करने वाला, वही मैं गर्व करने वाला, इस प्रकार जो प्रतिभिज्ञा की सिद्धि होती है, इससे तो यही सिद्ध होता है कि विषय के भेद से, करण के भेद से, देवता के भेद से जीव में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। सुसुप्ति में विषय करण सुर की पहुंच नहीं है हम तक आप तक, लेकिन हम नहीं है जीव नहीं है ये तो नहीं कह सकते। इसलिए विषय करण सुर से भी जीव अतीत है, अर्थात मैं अतीत हूं। इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण का आलंबन लेकर अगर हम निश्चय कर लें तो फिर क्या होगा, देवताओं से भी अधिक चमत्कृति जीवन में आवेगी या नहीं, आवेगी।
लेकिन देवता को नमस्कार ही करें, समझ गए? एक बड़ी विचित्र बात। तुलसीदास जी ने एक जगह लिख दिया रामचरितमानस में, तुलसी तुलसीदास, बहुत बढ़िया लिखा। मैं तो भांग था भांग, विजया कामुकता को लेकर चित्रित किया संकेत में। रामचरितमानस नाम वंदना, तुलसी, मैं तो तुलसी नहीं, मैं भांग का पत्ता था, भांग का पत्ता भांग, मुझे भांग को तुलसी बनाने वाला भगवान नाम, मुझे भांग को, भांग का मतलब विजया, भांग माने विजया, विजया देवी चढ़ जाए तो फिर क्या कहना। तो कामुकता आती है, क्रोध भी, अनर्गल प्रलाप भी होता है, मैं तो भांग था भांग, मुझको तुलसी बना दी किसने, तुलसी बनाने वाला कौन, भगवान नाम का आलम्बन लेकर मैं भांग से तुलसी हो गया। अब तुलसी आ गई सामने, अच्छा मैं तो समझती थी मैं तुलसी हूं, तुम भी तुलसी हो गया, तुलसी तुलसीदास। कितना बढ़िया है साहित्य के, हो तो गया तुलसी, अब मैं इस सत्य को कैसे स्वीकार न करूं, लेकिन माँ कृपा करो तुलसीदास नाम रहेगा तुलसीदास, लेकिन जिस नाम के बल पर मैं तुलसी हो गया तो हो ही गया। तो बहुत बढ़िया है, भांग को तुलसी बनाने वाला कौन, भगवान नाम। तो जैसे भांग तुलसी बन जाए ना, तो अभी जो हमारे लिए कर्म है, क्या है, पुरुष तंत्र, कर्त तंत्र, ज्ञान हमारे लिए है, वस्तु तंत्र, प्रमाण तंत्र, बात तो ठीक है, लेकिन प्रार्थना की गई भद्रम करने भी, इसका अर्थ है जहां पर हम असमर्थ हैं देवता वहां पर समर्थ होते हैं, इसलिए देवालंबन लेना चाहिए। और महापुरुष लोग भले ही स्वयं को जीव जान लें, तो देवता कोई मूर्ख है कि अपने को जीव नहीं जान सकते? अब वो रामदेवानंद दंडी स्वामी सुना है, अब कैसे कहना होगा। बामती ये सब पढ़ाया, लेकिन चेले चेली हो जाए तो पागल हो जाता है, बाबाओं को पागल करने वाले ये चेले चेली बड़े विकट विचित्र है होते हैं। खैर उन लोगों को हमारे दर्शन से भी परहेज, बड़ी विकट बात, किस लिए वेश धारण किया, घर छोड़ा, इसका भी विवेक नहीं है। चलो ठीक, तो देवता आया मेरे पास एक बार भामती पढ़ने, आप तो थे प्रधानांश, ओ इस विभाग के अध्यक्ष रंग जी में, वो जब शास्त्री में पढ़ रहे थे, पहला प्रश्न कहीं से वेदांत सुन के क्या किया, ईश्वर मिथ्या है ना, बताओ हमको हुआ, हंसानंद जी ने जो कांड किया वही करूं। हमने कहा भले आदमी, तुम्हारा वेदांत यहीं से प्रारंभ होता है, ईश्वर मिथ्या है, तुमके मालूम है कि कहां लिखा ईश्वर मिथ्या है, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि ईश्वर मिथ्या है। 120 उपनिषदों में पूर्वोत्तर मिलाकर दो जगह लिखा है कि ईश्वर मिथ्या है। ईश्वर मिथ्या है क्या तात्पर्य क्या, ये समझते हो? तुम ईमानदारी से बताओ कि तुम अपने पंचकोश को मिथ्या मानते हो? नहीं। तो हमने कहा ईश्वर तुमसे घटिया है, पागलपन है, वहां जो ईश्वर मिथ्या है उनको तो ये भी नहीं मालूम कि ईश्वर मिथ्या है, कहां लिखा है, दो जगह उपनिषदों में लिखा है। उसका अर्थ क्या है, ईश्वर संज्ञा मिथ्या है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने शब्द और बुद्धि इतना विज्ञान भर दिया है, वो ऐसा पाठ ऐसा नहीं है कि अपने आप लग जाए, या एक दिन में एक अध्याय पढ़ लो, कुछ नहीं मिलेगा, एक एक शब्द में उन्होंने कहा शब्द और बुद्धि, शब्द और बुद्धि, शब्द और बुद्धि, इसी का खेल है ना जगत, अमुक शब्द अमुक घट शब्द और घट बुद्धि, घट शब्द और घट बुद्धि। तो वहां पर जैसे अप्रोक्षानुभूति में जो निधिध्यासन के 15 अंग हैं, वहां बताया गया कि जैसे आदावंते चयन नास्तिक की शैली में कि घट पहले भी घट के रूप में नहीं था, बाद में वो भंग हो जाता है, इसका मतलब आदि में न रहे अंत में न रहे उस रूप में, वो मिथ्या है। तो जब कार्य मिथ्या है तो मिट्टी की कारण संज्ञा मिथ्या है,
इस पर ध्यान ही नहीं जाता, संज्ञा मिथ्या है, वस्तु मिथ्या है, माइक मिथ्या है। अरे माइक संज्ञा मिथ्या है। भगवान शंकराचार्य जब कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, निरालंबोपनिषद का ही यह वचन है, निरालंबोपनिषद का मूल वचन है, भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ में भी है, तो वहां पर छांदोग्य श्रुति का भाष्य पर यह संज्ञा मिथ्या है, वस्तु मिथ्या है। मृत्यु के अत्यव सत्यम संज्ञा मिथ्या होती जाएगी, अंत में ब्रह्म सदैव सत्यम, ब्रह्म ही रह जाएगा। तो हमने कहा पंचकोश को मिथ्या जान लिया, वो तो नहीं, तो हमने कहा आपसे घटिया है ईश्वर, पागलपन की बात, अतिरेक कहीं नहीं होना चाहिए। आजकल के वेदांती प्राय उनसे बात करना उचित नहीं, क्यों नहीं, अतिरेक है जी, न्यूनातिरेक, ब्राह्मणत्व का अतिरेक हो गया, देख लीजिए, अब गाली सुनिए, ब्राह्मणत्व का अतिरेक हो गया, क्षत्रियत्व का अतिरेक हो गया, ब्राह्मण अपनी सीमा में ब्राह्मणोचित शील का पालन करें सब तो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन ब्राह्मणों ने, शास्त्र ने नहीं, ब्राह्मणों ने जहां जहां ब्राह्मणत्व का अतिरेक कर दिया, हम सन्यासी हैं, हम पांव फैला के आओ चरणामृत लो, एक सन्यास धर्म का अतिरेक है। क्या ब्राह्मण के लिए लिखा है मनुस्मृति में नारद परिव्याज को उपनिषद में, अपमान को अमृत समझे, सम्मान को विष समझे, तो पांव फैला करके आओ पूजन करो, ये क्या चीज है। उनका काम है कि वो आपका सम्मान दें, आपका काम है सम्मान लें, बिल्कुल अलग रहिए। तो हमने एक संकेत किया, अगर हम विश्व हैं, विश्व तेजस प्राग वाले विश्व, तो भगवान कौन है, तयोर व्यष्टि समष्टिता वैश्वानर है, तो वैश्वानर हमसे घटिया है। अब वैश्वानर को हटा दें तो विश्व रहेगा कुछ, अरे आकाश को हटा देंगे तो घटाकाश कुछ रहेगा। अगर हम तेजस हैं तो भगवान हिरण्यगर्भ हैं, हिरण्यगर्भ के गर्भ में तेजस रहेगा या नहीं, आकाश के गर्भ में घटाकाश मठाकाश रहेगा या नहीं। अगर हम प्राज्ञ हैं तो भगवान कौन है, अंतर्यामी सर्वेश्वर हैं। अगर हम कूटस्थ या तुरी हैं तो भगवान ब्रह्म हैं, ब्रह्म के बाहर रहेगा क्या कौन, कूटस्थ तुरी है। घटिया कहाँ है, घटिया कहाँ है, क्या किस मोर्चे पर ईश्वर को लुल्लू बुद्धू समझते हैं वेदांती, वो समझ में नहीं आता, किस मोर्चे पर ईश्वर घटिया सिद्ध हुए। अगर आप विश्व हैं तो भगवान वैश्वानर हैं, अगर आप तेजस अपने को मानते हैं तो भगवान हिरण्यगर्भ हैं, अगर आप प्राज्ञ मानते हैं तो भगवान सर्वेश्वर अंतर्यामी हैं, अगर आप कूटस्थ हैं शोधित अमर्थ हैं तो भगवान ब्रह्म है, आपसे घटिया किस मोर्चे पर। तो कहेंगे कि वह परोक्ष है, परोक्ष है, भगवान परोक्ष है या आपकी बुद्धि मंद है, वो तो स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश कैसे परोक्ष होंगे, हमारी प्रज्ञा में त्रुटि है, प्रज्ञा मंद के कारण हम भगवान को या ब्रह्म को परोक्ष मानते हैं, या भगवान परोक्ष भी है। इस दृष्टि से विचार करने पर हमने कहा कि देवताओं का सम्मान करते हुए, लेकिन यह समझना चाहिए कि अधिदैव वर्ग से अध्यात्म उद्भाषित होता है। एक देवता के महत्व को समझने के लिए एक वाक्य बोलकर प्रवचन को विराम देते हैं। चंद्रमा मनसो जाता, भागवत में बहुत अच्छा प्रसंग है, द्वितीय स्कंध में है, कोई अभी सज्जन, हाँ एमएससी हैं गणित से, कपिल क्या गौतम जी ने पूछा था रात्रि के पाठ में, कहाँ पर, पुरी में, बहुत अच्छा भागवत का प्रकरण है। एक विचित्र बात है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता, विराट हिरण्यगर्भ का वर्णन है ना पुरुष सूक्त में और भागवत में भी है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता, भगवान के अध्यात्म मन से हमारे अधिदैव चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उल्टा हो गया नहीं, हमारे मन के अधिदैव कौन है, चंद्रमा, उन चंद्रमा की, चंद्रदेव की उत्पत्ति किससे हुई, भगवान के अध्यात्म से, मन से। वो कोई तुरीय तत्व का वर्णन नहीं है, विराट हिरण्यगर्भ का वर्णन है। अगर इस प्रकार से शास्त्रों को पढ़ेंगे तो होश ठिकाने हो जाएंगे या नहीं, हमारे मन के जो अधिदैव हैं वो भगवान के अध्यात्म से उत्पन्न हुए हैं, चंद्रमा। लो जी, तो भगवान का मन बड़ा हुआ या चंद्रमा बड़े हुए, तो
हम हैं कहाँ, हम कितने पानी में, ये तो देखना चाहिए ना। इसलिए देवर्षि नारद ने कभी सगुण साकार भगवान की या किसी की निंदा की है? सुखदेव जी के लिए आया ना अहो बकियम, सुखदेव जी के लिए निर्गुण में प्रतिष्ठित थे, भगवान के दर्शन की बात छोड़ दीजिए, बगहा पीडम के माध्यम से केवल उनके स्वरूप का चित्रण मिल गया तो अपने को अरे अरे मेरी गति वहां कैसे होगी, है या नहीं। जिनको हम सिद्ध मानते हैं सनकादि साप दे बैठे, माने दर्शन में प्रतिबंधक को साप दे बैठे, इतनी त्वरा थी, जैसे भौरा तीव्र गति से या मधुमक्खी पुष्प की ओर दौड़ रही हो, उसमें कोई हथेली डाल दे तो छेद करने का प्रयास करेगी। तो किसी हमारे सनकादि सुकादि ब्रह्मादि भगवान शिव इन सब ने सगुण साकार को तुच्छ माना किया, या हम लोगों की तरह ईश्वर कौन होता है, मूर्ति पूजा क्या होती है, मूर्ति पूजा क्या होती है, मूर्ति का स्वरूप जाना हो तो स्कंद पुराण, भगवान दारू ब्रह्म हमारे कौन है, जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है, दारू ब्रह्म वहां का महात्म पर ये ब्रह्मा जी सामान्य व्यक्ति हैं कि स्वयं ब्रह्मलोक से आकर के उन्होंने अपने कर कमलों से जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया। तो निस्संदेह जो आजकल के वेदांती आप लोगों को छोड़कर वेदांत की धारा विकृत हो गई है, क्या हो गया, आर्य समाज और वेदांत का सम्मिश्रण हो गया, वर्णाश्रम धर्म आर्य समाज का सम्मिश्रण हो गया, इस सम्मिश्रण कष्ट दे रहा। पुराने आचार्य भगवान, देखिए भगवान शंकराचार्य के पास गौड़ पादाचार्य जी आ गए, गुरुदेव के गुरुदेव, कांपने लग गए एकदम बेसुध, और उनके जाने पर भी अंतरहित होने पर भी, अच्छा गौड़ पादाचार्य जी आए मालूम क्या था, एक हाथ में कमंडल एक हाथ में जप माला, जप करते हुए माला से जप, गौड़ पादाचार्य जी मांडुक कारिका को पढ़ के हम लोग नास्तिक होते हैं, उनका दर्शन जो हुआ शंकराचार्य जी को, वो तो हाथ में माला जप करते हुए, गौड़ पादाचार्य जी जप करते हैं, अब सोचना चाहिए। व्यास जी आए अपने स्वरूप को प्रकट किया, शंकराचार्य विह्वल हो गए, भगवान व्यास का दर्शन। तो हम लोगों को ये जो पुराने ऋषि हैं, इन्होंने भगवान को जिस दृष्टि से देखा, इन्होंने जगत को जिस दृष्टि से देखा, योग के भी आचार्य, भक्ति के भी आचार्य, और ज्ञान के भी आचार्य, और कर्म के भी आचार्य, क्रांति के पुरोधा भी है, ऋषियों का समग्र स्वरूप ये है। हम वेदांती हैं, हम राष्ट्र की बात नहीं सुनते, तो तुम वेदांती क्या हो, बाहर झोंको। हमारे ऋषियों ने राष्ट्र की कभी उपेक्षा की, शंकराचार्य जी से बढ़ के वेदांती हम हो गए क्या, नारद जी ने राष्ट्र की उपेक्षा की, भृगु जी ने की, वशिष्ठ जी ने की, हमारे किसी गुरुओं की जो परंपरा है, तो हम लोग कहाँ के वेदांती हो गए। आजकल के भक्त निवृत्त निकुंज के नाम पर, पंथ के नाम पर इस कथा से परहेज करते हैं, बड़ी विकट बात है, सब पंथ है। आज मैं वेदना पूर्वक, जैसे राष्ट्र को लेकर वेदना है, वैसे श्री अयोध्या में गया था, यहाँ तो रहता ही हूँ, रहते ही हूँ मतलब समझ गए, रहते ही हूँ, वहां जाता हूँ तो भी यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं एक संकेत करूँ, ऐसा पंथ वृंदावन में भी जो उपासना पद्धति चल पड़ी है, हमने प्रशस्त संप्रदाय को परंपरा को एक अकल की सीमा में ढाल के पंथ बना दिया, वेदांत भी एक पंथ हो गया, अधिकार संपदा हटा दीजिए उसी का नाम पंथ हो जाता है। अयोध्या की, चित्रकूट की, वृंदावन की सारी उपासनाएं पंथ, इसका मतलब क्या हुआ, पंथ बना दिया हमने। तो शास्त्र की दृष्टि से इन सबको रामानुजाचार्य महाभाग ने, श्री रामानुजाचार्य जी कहां के थे, किस संप्रदाय से संबद्ध थे, आलवार संतों से, उनकी भक्ति पसंद की, लेकिन उन्होंने जो पंथ बना दिया था, वर्ण वर्ण व्यवस्था निरपेक्ष भक्ति, पूरी वैदिक वर्ण व्यवस्था को लाके प्रतिष्ठित कर दिया, ये है आचार्यों का काम। जो आचार्य नहीं होते हैं वो धर्म को पंथ बना देते हैं, सत संप्रदाय को पंथ बना देते हैं, जो आचार्य होते हैं वो पंथ को धर्म बनाते हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने बनाया, जैसे रामानुजाचार्य जी ने बनाया। तो आज कई ढंग से झटके लगे भूकंप के, हर हर महादेव। आज उधर भी जाना, उधर भी, तो ठीक आ रहा हूँ।